हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मावेटी का चैनल। आज मैं आपके साथ पोहा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। वैसे तो फ्रेंड, पोहा आप लोग बहुत बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन क्या है कि अक्सर पोहा ड्राई हो जाता है और कभी कभी एक्स्ट्रा सॉगी हो जाता है। तो आज मैं जो पोहा शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी भेज पुलाव से कम नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं पोहा रेसिपी। आप जब भी पोहा बनाएं तो मोटे चूड़े का यूज करें, पतले चूड़े का यूज ना करें। यदि आप पतले चूड़े का यूज करेंगे तो टूटने का डर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पोहा बनाने के लिए लिया है जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर लीफ, लेमन, कुछ करी लीफ और कैरेट, अनियन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सभी को मैं बारीक चॉप कर ली हूँ। अब मैं इन सभी का यूज करूँगी पोहा बनाने में। मैंने यहाँ पर कढ़ाई बैठा दी है और गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी, मैं यहाँ पर 3 से 4 स्पून ऑयल ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर मूंगफली नहीं भूंज रही हूँ। मैंने मूंगफली पहले से ही फ्राई करके रख लिया है, तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड सीड ऐड करूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड सीड ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही ये क्रैक हो जाए तो आप इसमें हींग ऐड कर दें। ये देखिए बिल्कुल तड़क गया है। अब मैं यहाँ पर जिंजर, गार्लिक और चिली करी लीफ ऐड कर लूँगी और इसे थोड़ा भून लूँगी। देखिए मैं डाल ली हूँ और ये थोड़ा सा भुन गया है, इसे मैं थोड़ा चला लूँगी। अब मैं यहाँ कटा हुआ गाजर और प्याज को डालकर अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसे बस ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से बीच बीच में चला ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी हल्दी पाउडर। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा धनिया पाउडर। ये घर का बना हुआ मसाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, आप चाहे तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कुछ सेकंड इसे मैं फ्राई करूंगी ताकि मसाले पक जाएं। अब मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करो ये पेस्ट, बट ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने पहले भी जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ ऐड की हूँ। अब मैं इसे कुछ सेकंड तक पका लूंगी ताकि इसका कच्चापन फ्लेवर दूर हो जाए। ये देखिए मैं इसे कर ली हूँ। मैं यहाँ पर शुगर ऐड करूँगी, हाफ स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। और मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये शुगर और चाट मसाला डालने से टेंजी फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पर पोहा ऐड कर रही हूँ। पोहा यहाँ पर मैंने 4 कप लिया है, ये 4 लोगों के लिए इनफ है। आप यहाँ पर टमाटर, कैरेट, बीन, कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे हस्बैंड को टमाटो पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, और बीन्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ, ये चूड़े में लग जाएँ। ये देखिए कितना खिला खिला बन रहा है। अब मैं यहाँ पर लेमन
जूस को ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। साथ ही साथ मैं ढेर सारा यहाँ पर कोरिएंडर लीफ डालूंगी। मुझे कोरिएंडर लीफ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारा डालना पसंद करती हूँ। ये देखिए मेरा पोहा बनकर के रेडी है, बिल्कुल खिला खिला फ्लफी पोहा बनकर रेडी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट फ्लफी पोहा रेडी है, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स ये देखिए सिर्फ 5 से 6 मिनट में तैयार होने वाला पोहा रेडी है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्यूट एंड इजी ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है, आप इसे ट्राई करें। और हाँ, इस बिजी लाइफ में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।